नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ तफीसा खान। इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं नतीजे आने के बाद राहुल गांधी सीधे यहां पर पहुंचे हैं, जो PC करने वाले। और आपको यहां का नजारा दिखा देते हैं कि जब राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं तो कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में कितना उत्साह है। ये देखिए, बम पटाखे बजने लगे हैं, फूटे जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश है। अभिवादन करते हुए राहुल गांधी यहाँ से आपको दिख रहे होंगे, जनता को हाथ दिलाते हुए। किस तरीके से आप देख सकते हैं, कितनी खुशी। प्रियंका गांधी भी उनके साथ में अभिवादन कर रहे हैं जनता का, और बेहद उत्साह यहाँ पर कार्यकर्ता और जनता में देखने को मिल रहा है कि क्या कुछ कहेंगे। थोड़ी देर बाद PC होनी है, नतीजे आ चुके, उसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचे। आपको तस्वीरें दिखाने, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। वो बस एक झलक पाना चाहते हैं, राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। और देखिए, कह सकते हैं कि नतीजे आने के बाद भी पूरा चुनाव फंस चुका है, पेच फंस चुका है। सरकार किसकी बनेगी, इस पर आकर सवाल टिक चुका है कि आखिर कौन होगा इस बार सत्ता में। और देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग। नतीजे आ चुके हैं लेकिन चुनाव फंस चुका है, सवाल ये कि कौन बनाएगा सरकार। इस वक्त हम खड़े हैं कांग्रेस के मुख्यालय पर, आपको देख सकते हैं तस्वीरें। राहुल गांधी अभी यहाँ पर आए हैं, कार्यकर्ताओं में जोश है, यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और चुनाव जैसे फंस गया। अब सवाल यही है कि सरकार कौन बनाएगा, क्योंकि पेच फंस चुका है। बहुमत पाने के बाद भी NDA सरकार से दूर है। ऐसे में हरेंद्र ताऊ जी हमारे साथ, उनसे चर्चा करते हुए समझते हैं कि कैसा रिजल्ट आया है, जिसमें शह मात दोनों एक साथ दिख रही है। हरेंद्र ताऊ आप भी आए, अभी अभी राहुल गांधी आए, सबसे पहले क्या कुछ कहेंगे जब राहुल गांधी सीधा कार्यालय पहुंचे नतीजे आने के बाद? आपने देखा चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, और एक बार नरेंद्र मोदी का चेहरा देख लेते तो पता चल जाता। तो ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। मतलब मुस्कान बता रहे हैं कि इस बार इंडिया लाइन सर। अरे, तख्त बदल रहा है, ताज बदल रहा है, और आज के बाद भारत का निजाम बदल रहा है। लेकिन ताऊ, ये बताइए, बहुमत लगभग पा ली है इंडिया ने, फिर भी पेच फंस गया, चुनाव फंस गया, ऐसा कौन सा समीकरण बैठा जो चुनाव बिगड़ गया? देखिए, जनता है, और जनता जिसे चाहती है, हमने पहले भी कहा था, जनता जिसे चाहती है सर पे बैठा लेती है, और जनता जिसे चाहती है जमीन पे पटक देती है। तो ये जनता की लड़ाई थी, जनता लड़ रही थी। दूसरी चीज़ है, जिसने भी BJP से गठबंधन किया, BJP ने उसी को ख़त्म कर दिया। तो अब जो BJP के साथ हैं वो भी आजकल में भाग जाएंगे छोड़ के, क्योंकि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। तो जो छोटे दल होते हैं वो भाग जाते हैं, और वो अब सरकार की तरफ आएंगे, इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगे। मतलब उधर के दल इधर आने वाले, और इसी को लेकर आप कह रहे हैं कि इंडिया सरकार बनाने जा रहा है। बनेगी, क्योंकि उनको भी तो जनता ने वोट दिया है, और वो इसी जनता के साथ आएंगे। राहुल गांधी जैसे आए, और अभी भी देखिए पीछे जो कार्यकर्ता मौजूद है, नारेबाजी चल रही है कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी। आपको भी आसार बनते दिख रहे हैं, संकेत मिल रहा है कि इस बार भैया तख्ती पलटने वाली है। देखिए, ये कार्यकर्ता है, और इंडिया गठबंधन के जिस भी कार्यालय पे आप जाओगे, वहाँ वो उसके कार्यकर्ता अपने नेता के लिए इस तरह के नारे लगाते हैं। और इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग होगी, उस मीटिंग में तय होगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन पटाखे अभी से फोड़ने शुरू हो चुके। देखिए, जीत की खुशी है और कार्यकर्ताओं की खुशी है कि 10 साल से जो ताना सहा देश को बर्बाद कर रहा था, अब उसका जाने का समय आ गया। तो ये जनता की खुशी है। तो क्या लगता है कि कौन से मुद्दे कामयाब हो गए जो BJP को मुंह के बल गिरना पड़ गया? सारे मुद्दे कामयाब हुए। अग्निवीर का मुद्दा कामयाब हुआ, किसानों की MSP का मुद्दा कामयाब हुआ, और जो युवाओं के रोजगार का, पक्की नौकरी का वो वादा पूरा हुआ। 8,500 रुपये महिलाओं के खाते में टका टक टका टक टका टक हुआ, कि और कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा। तो ये सारे मुद्दे, सब मुद्दे, संविधान का मुद्दा, लोकतंत्र का मुद्दा, तो ये सारे मुद्दे जो है जनता ने अपने बना करके और लड़ना शुरू कर दिया था। तो ये सारे मुद्दे आए। कहाँ BJP NDA 400 पार का नारा दे रही थी, और कहाँ मंत्री हार गए। स्मृति ईरानी को क्या कुछ कहेंगे, उनको हार को लेकर? देखिए, अहंकार हारा है, मोहब्बत जीती है। अहंकार हारा है, अहंकार रावण का नहीं रहा, इसकी तो औकात क्या। अब बताओ, अब कहाँ मुंह दिखाएगी। राहुल गांधी से टक्कर लेने की बात कर रही थी, और राहुल गांधी के एक कार्यकर्ता से
वो हार गई। तो अब ये राहुल गांधी ने दिखा दिया कि तेरी औकात नहीं मेरे से बात करने की, क्योंकि तुझे तो कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हरा सकता है। तो ये देख, किसान है और किसान आंदोलन में भी रहे, अजय टेनी हार चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको? निघासन की जनता, लखीमपुर खीरी वगैरह जनता को दिल से धन्यवाद है। आज ये उन 5-4 किसान और एक पत्रकार को मेरी तरफ से सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। आज मेरे दिल को चैन पड़ा है। यानी किसानों की जीत मानी जाए? बिल्कुल, ये किसानों की जीत है, ये वहाँ के किसानों की जीत है, वहाँ की जनता की जीत है। पीएम मोदी तपस्या में गए, तब भी हमने बातचीत की थी, कहाँ कमी रह गई जो 400 पार नहीं हो पाया, इंडियन अभी 300 पे भी नहीं जाता। कल बताएगा वो, कल आएगा और कहेगा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, क्योंकि वहाँ कोई मेनका ना पहुँच गई हो। अभी तो ये पता चलेगा, क्योंकि तपस्या मेनका भ्रष्ट करती है, और वो मेनका कौन है तो ये पता चलेगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब जीत कर भी जीत नहीं पाए, चुनाव फंस गया है, एंडे बहुमत पाकर भी देखिए कहीं ना कहीं अभी खाली दिख रही है, खाली हाथ एकदम। और जनता खुशी मना रही है। देखिए, इसे कहते हैं जनता की जीत, इसे कहते हैं मोहब्बत की जीत, इसे कहते हैं भाईचारे की जीत, ये संविधान की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये किसानों की जीत है, ये मजदूरों की जीत है, ये युवाओं की जीत है, ये कर्मचारियों की जीत है, और ये छोटे व्यापारियों की जीत है। देखिए, यही अहंकार रावण को हुआ था ना, क्या हुआ? यही अहंकार कंस को हुआ था, क्या हुआ? यही अहंकार हिटलर को हुआ था, और एक कलयुग में परमात्मा हुए हैं, उसका भी अहंकार जनता ही तो तोड़ती है। हमने तब भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं कि जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता ही देश की सर्वोपरि होती है, और जनता जिसे चाहती है आसमान पे बैठा देती है, और जनता जिसे चाहती है मिट्टी में मिला देती है। ये देश की जनता की जीत है, और देश की जनता को इस ताऊ का दिल से धन्यवाद। समय बीत गया, लेकिन हम सुबह के रुझानों पर आते हैं। पीएम मोदी भी पीछे चलते दिखाई दिए, हालांकि उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, फिर भी पीएम मोदी पीछे, ऐसा क्यों? हालांकि आप जीत चुके हैं पीएम मोदी वाराणसी। कितनी वोटों से जीते हैं अंदाज में? कितनी वोट? 1 लाख पार। 1 लाख पार, जिसे तुम कहते थे दुनिया में जिसका डंका बजता है, वो अपने संसदीय क्षेत्र में पहले पीछे भी चला और जीता 1 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख वोटों से। हैं? और जिसको तुम सबसे बेकार बताते थे, वही राहुल गांधी जी, दोनों जगह से, एक जगह से 3.5 लाख से ज़्यादा, एक जगह से 4.5 लाख से ज़्यादा। तो दुनिया में प्रचलित कौन व्यक्ति है, ये आप आइडिया लगा लो। राहुल गांधी अभी यहाँ से गए तो हाथ हिलाते हुए गए, विक्ट्री का साइन दिखा कर गए, तो क्या मान लिया जाए कि इंडिया लाइन सरकार वाकई बनाने जा रहा है? नरेंद्र मोदी गुफा से बाहर आए नहीं आए? वाले कार्यालय पर आज शाम को ही गुफा में है, शोक में है। एक एक कहावत होती है ना कि राजा के भवन में कोप भाजन होता है, ये वहाँ कोप भाजन में नरेंद्र मोदी बैठा है, देखते हैं कब निकलेगा और क्या कहेगा, उसका इंतजार रहेगा। आखिरी, क्योंकि अभी यूपी से आते हैं, दो लड़कों की जोड़ी को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था कि फ्लॉप जोड़ी फिर से आ रही है, और उन्हीं जोड़ी ने खेल कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया यूपी के अंदर, राहुल गांधी अखिलेश यादव, क्या कहेंगे इनको लेकर? कर दिया ना खेला, कर दिया ना खेला किया। तो जो ज़्यादा बोलता है उस अहंकार को जनता ही तोड़ती है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि हमें गुजराती नहीं चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश वाले चाहिए, और राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश के हैं और अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के हैं, स्मृति ईरानी भी बम्बई की है, उसको भी बाहर कर दिया। जब मोदी के मंत्री हारने लगे, समझ लो तख्त बदल रहा है, ताज बदल रहा है, और आज से नरेंद्र मोदी का राज बदल रहा है। धन्यवाद, नतीजे भले ही आ चुके हैं लेकिन पेज फंसा हुआ है, जैसे कह रहे हैं कि तख्त और ताज दोनों ही बदलने वाले, क्या ये वाकई संकेत है कि देश को नई सरकार मिलने वाली है? एनडीए बहुमत पाकर भी सरकार से दूरी बनाता दिख रहा है, लेकिन क्या जैसे राहुल गांधी अभी आए और नारेबाजी चल रही कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा, तो क्या वाकई अब जो सरकार मिलेगी देश को वो इंडिया अलायंस की मिलेगी? देखना होगा, कुछ ही समय बाकी है जब देश को नई सरकार भी मिलेगी, पीसी में क्या कुछ होता देखते हैं। लेकिन हरेंद्र ताऊ ने फैसला सुना दिया कि इस बार इंडिया अलायंस की सरकार।